पहले तो आज मैं आपको बताऊँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। देखो हमें देखो पूछो अभी आपने कौन सी विषय आपने ली है, अब आपने दसवीं के बाद आप जो जो विषय आप लेते हो उसके अनुरूप आप करते हो, है ना, उसके अनुरूप आप करते हो। अभी बताइए कि अभी आप अभी मेरे को कुछ मालूम नहीं अभी आपने कौन सी विषय दी है कौन सी नहीं, अब वो मेरे को मालूम है, तो उसके अनुरूप मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। अगर आपने दसवीं के बाद आप जो भी लाइफ करना चाहते हो, जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो आपको अपनी दसवीं के बाद आप उसके अनुरूप आप अपनी सेलेक्ट करते हो, है ना। तब अगर आप अगर की बात हो गई है तो आप कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपने कौन सी विषय ली है, फिर उस विषय के अनुरूप मैं आपको बता पाऊंगा कि आपने कौन सी विषय आपको क्या करने के लिए। मान लीजिए अगर आपने साइंस लिया तो आपने अगर साइंस को मैं किया तो साइंस के रूप में बताऊँगा, मैथ साइंस है मैथ के अनुसार मैं मुझे बहुत कुछ बताऊँगा, अगर कॉमर्स है कॉमर्स के अनुसार क्या करना। अब अगर आप दसवीं कर करो तो आप जो आपको जब जो आपको लाइफ में करना है उसके अनुरूप आप जीते रहे। अगर दसवीं अभी कर रहे हो या दसवीं कर रहे हो तो उसके अनुरूप आप बताइए कि उसके अनुरूप देखिए कि आपको कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है, कौन सी विधि में आप ज़्यादा रुचि दे रहे हो, कौन सी विधि आप ज़्यादा फेवरेट हो, जितना आपकी ज़्यादा अच्छे नंबर है उस वो विषय आप फिर आप ले और फिर उसके अनुरूप आपकी पढ़ाई करिए। जैसे बारह दिन बाहर फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप बीए रुपये आप लोगे तो सी एम में लूँगा, और फिर उसके अनुरूप फिर आप मुझे कमेंट करिए मैं ये विषय ले रहा हूँ तो इसमें क्या जॉब दे देगी क्या आपको मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस ये सोचिए कि आप कौन सी विषय अगर आप दसवीं करो तो आपको कौन सी आप थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू, धन्यवाद।